नमस्कार, दिस इज डॉक्टर श्वेता गुप्ता। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली एंड द डायरेक्टर ऑफ द क्वांटम क्लिनिक मोहाली। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन इन वुमेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो कंसीव करना चाहती हैं। उनका अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि क्या वो ये वैक्सीन लगवा सकती हैं जब वो प्लानिंग कर रही हैं। आंसर इज येस, आप इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाइए, क्योंकि आज के दिन की जो ज़रूरत है सबसे पहली वो है अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखना। सो, अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो इसका आपकी प्रेगनेंसी में या आपके कंसीव करने पे या आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं होता है। अगर आपने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ली है और बीच में आप कंसीव कर जाते हैं तो हम सेकेंड डोज आपको नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है कि ये प्रेगनेंसी में लगाना चाहिए या नहीं। इट्स बेटर कि जब भी आप सेकेंड डोज लें उसके 4 to 6 weeks तक वेट करें एंड देन यू प्लान फॉर प्रेगनेंसी, जैसे कि हम बाकी वैक्सीनेशन में करते हैं। सो, ये वैक्सीन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर लगवानी चाहिए, बिकॉज कोविड से अपने आप को सुरक्षित रहना आज के दिन की पहली ज़रूरत है। सेकेंड जो अक्सर कंसर्न आता है वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इस वैक्सीन का कोई असर है या उन दिनों में ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। सो, इसके लिए आंसर इज येस, यू कैन टेक द वैक्सीन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन डेज एंड दिस वैक्सीन डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल और एनी गायनिक कंडीशन। सो, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, आप मेंस्ट्रुअल डेज में भी वो ले सकते हैं। वैक्सीन की वजह से कोई डायरेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट नहीं होता है। एंड थर्ड कंसर्न जो आता है वो है लैक्टेशन, कि अगर आप अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं तो क्या आपको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। सो, अभी ये डाटा बिल्कुल क्लियर रूप से आ चुका है कि अगर आप डिलीवर कर चुके हैं, अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं, तो आप ये वैक्सीन सेफली अपने आप को लगवा सकते हैं, दोनों डोजेज लगवा सकते हैं, और कोई भी वैक्सीन, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या कोई और भी वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन जो क्वेरी रहती है वो है प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं। सो, इसके लिए अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन सेफ है या नहीं। हम बात कर रहे हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन के बारे में। जो वैक्सीन है फाइजर की या मॉडर्ना जो वैक्सीन है वो US में और UK में थाउजेंड्स ऑफ प्रेगनेंट वुमेन को लग चुकी है और कोई भी साइड इफेक्ट उसका सामने नहीं आया है। इनफैक्ट ये वैक्सीन हमें ट्रिपल प्रोटेक्शन देते हैं जब हम प्रेगनेंसी में लगाते हैं। एक तो मदर को इसकी प्रोटेक्शन मिलती है, एक डेवलपिंग फीटस को इसकी जो प्रोटेक्शन मिलती है, और जो एंटीबॉडीज क्रॉस करके बेबी के पास चली जाती हैं तो फर्स्ट 6 months तक वो बच्चे को बाहर आने के बाद भी सुरक्षा देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में हमारे पास अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन हम प्रेग्नेंट वुमेन को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रही है और जल्दी ही ये गाइडलाइंस हमारे सामने आ जाएंगी कि हमें प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लेना है या नहीं। तब तक हमें वही परहेज रखना है, अपने आप को कोविड से बचा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहन के रखना है, और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है ताकि हम अपने आप को इस टाइम में कोविड से बचा सकें। थैंक यू।